दुर्गा देवी है कौन, उनको किस मनोभाव से पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के दो शक्ति है, एक है पराशक्ति एक अपराशक्ति, क्योंकि दो जगत है, कि आध्यात्मिक जगत है एक भौतिक जगत है। तो जो आध्यात्मिक जगत को चलाते हैं वो है पराशक्ति भगवान की आह्लादिनी शक्ति, जो उसे भौतिक जगत को चलाते हैं वो है भगवान की महामाया शक्ति, शक्ति देवी, जिनके विस्तार है काली दुर्गा पार्वती सारे। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते साचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। वह बता रहे हैं कि ये तो चला रहे हैं लेकिन मेरे निर्देश से चला रहे हैं, मया दक्षिण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में ये सारे जो कर्म हो रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए कृष्ण सबके मास्टर है, दुर्गा देवी या चाहे जितने भी देवी देवताएं हैं ये सारे, उनका दो परिचय है, एक तो अस्थाई परिचय है जिसके तहत वो कुछ सेवा करते हैं, ये यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक पार्ट बनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक छाएव जस्य भुवनानि विभवति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि चेष्टते च चेष्टते सा गोविंद पादे पुरुषम तम अहम् भजामि। दुर्गा देवी क्या करती है, ब्रह्मा बोल रहे सृष्टि स्थिति प्रलय, ये जो होता है इस पूरे जगत का, ये सारी चीज दुर्गा देवी जी की निगरानी में होती है, उनके अध्यक्षता में होती है। लेकिन दुर्गा देवी और क्या करते हैं, किनकी इच्छा के हिसाब से करते हैं, इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम, गोविंद श्री कृष्ण के इच्छा के अनुरूप दुर्गा जी भी कार्य करने का प्रयास करती है, और उस गोविंद जी को ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। इस संसार को हम लोग कहते हैं दुर्ग, जेल के समान होता है, यहाँ पर हम लोग आके बंध चुके हैं, फंस चुके हैं। बस दुर्ग का जो जेल कीपर जो जेलर है वो है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के एक ही पर्पस है, कैसे हमें इस जगह से निकालना। जैसे जेलर पनिशमेंट देते हैं लेकिन उनका एक पर्पस होता है कि कैसे सुधारना है, जो बंदी है जो कैदी है उनको सुधारना है। वैसे दुर्गा देवी जो अपने त्रिशूल का जो तीन शूल होते हैं वो तीन तरह के क्लेश या सफरिंग हमें देती है, आदि दैवी के क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मीय क्लेश। उन क्लेशों के माध्यम में ये बताना चाहती है वो हमें कि ये जगह हम लोग के लिए नहीं है, केवल एक ही पर्पस। दुर्गा देवी जो हमें कष्ट देती है, जो हमें ट्रबल देती है, जो हमें क्लेश देती है, एक ही पर्पस है, कृष्ण के पास जाइए ये जगह ठीक नहीं है, कृष्ण के पास जाइए ये जगह ठीक नहीं है, कृष्ण के पास जाइए ये जगह आप लोग के लिए नहीं है, वो यही बताना चाहती है। इसलिए हमें दुर्गा देवी जो भक्त है जो वैष्णव है उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि हे दुर्गा देवी आप हमें कष्ट देते हैं इसलिए तो हम भगवान को इतने अच्छे से याद कर पाते हैं हर समय। कुंती महारानी प्रे करते भागवतम में, विपदा संतु तत्स्वास तत्र तत्र जगत गुरु भगवता दर्शन यत सत अपना भव दर्शन, है भगवान मुझे और कष्ट दीजिए। कुंती महारानी कह रहे हैं कि मुझे कष्ट चाहिए, क्योंकि जब कष्ट मिलता है तब आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है, और जब आपको मैं याद करता हूँ फिर कोई भी याद करता है वो इस भवसागर में फिर से नहीं आता है। दुर्गा देवी महामाया है, बहुत मुश्किल है उनको ओवरकम करना। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं गीता में, दैवी है सी गुणामयी मम माया दुरतया माया एवं प्रपद्यन्ते माया एतम तरंगते। क्योंकि महामाया जो है प्रकृति दुर्गा जो है ये कृष्ण का ही शक्ति है, क्योंकि ये कृष्ण का शक्ति है, उसको ओवरकम करना इंडिपेंडेंटली बहुत मुश्किल है। भगवान ये कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये चीज, महामाया को क्रॉस करना पार जाना। लेकिन हमें अपना प्रार्थना को बदलना पड़ेगा, हमें अपना प्रेयर को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम दुर्गा के सामने जाके बोल रहे हैं धनम देहि भार्यम देहि सुखम देहि, नहीं, हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दुर्गा देवी जैसे आप कृष्ण भक्त मुझे कृपा करके आशीर्वाद कीजिए कि मैं कृष्ण का भक्त कैसे अच्छे से बन सकता हूँ, कैसे संसार का जो भौतिक माया जाल है उससे मैं दूर रह सकूँ और भगवान कृष्ण का सेवा कर सकूँ, आराधना कर सकूँ, भक्ति कर सकूँ, ये मुझे आशीर्वाद कीजिए। ये दुर्गा देवी को हम लोग प्रे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तो ये है कि हम लोग कृष्ण का प्रार्थना करें हर समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता में कहते हैं भक्तरम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर श्रुदम सर्वभूतानां ज्ञानतमं शांतिं वर्षते।
वन पीस में सबका जड़ है, पर कोई उनका पूजा करता है, कोई उनका आराधना करता है, तो ऑटोमेटिकली सबको मिल जाता है। आप वृक्ष के जड़ में अगर पानी देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रांच, लीव, फ्लावर सबको मिल जाएगा। तो हमें कृष्ण का उपासना करना चाहिए, कृष्ण आराधना करना चाहिए हर समय, और जब भी मौका मिले दुर्गा देवी की ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे दुर्गा देवी, मुझे ये हेल्प कीजिए, मुझे ये सहायता कीजिए कि कैसे मैं कृष्ण का और करीब पहुंच सकूं, मुझे इस बोधि जगत के मायावी से दूर हो सकूं, ये प्रेयर कर सकूं। इसी चेतना के साथ अगर हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे तो ये हमें कृष्ण के और करीब ले जाएंगे और इस भवसागर से बहुत दूर। हरे कृष्ण।